और इस वक्त मैं प्रेजेंट हूँ चानन क्षेत्र लखीसराय में और एक स्कूल में जो कि शारदा पब्लिक स्कूल है और यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। आइए हम कुछ फीडबैक लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया हमारे चैनल। स्वागत है आपके चैनल। क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्र? मैं शारदा टीचिंग सेंटर के डायरेक्टर हूँ। अच्छा। 15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं और सबको मैं बधाई देता हूँ। आज ये मतलब 77 साल आज़ादी का हो गया है। इस आज़ादी में हमारे कितने पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, देश को आज़ाद कराने में। हम लोग खुश नसीब हैं कि आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, जो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा राजा भाई नाम है। अच्छा, थोड़ा सा बोलिएगा दो शब्द 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। सबसे पहले तो जितने भी देख रहे हैं इंडिया नेक्स्ट को, सभी को मेरा प्रणाम और साथ साथ 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं बधाई। और आज हम लोग पहुँचे हैं चानन के गांव में, कुछ मतलब हाँ शारदा टीचिंग सेंटर में कुछ प्रोग्राम है, तो इसके बीच हम लोग को बुलाए गए हैं, तो यहाँ पे आए हैं। चलिए आगे आगे थोड़ा सा पढ़ने दीजिएगा। देखिए शारदा पब्लिक स्कूल के हमारे साथ प्रिंसिपल जी हैं, कैसे हैं सर? सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, जितना भी इंडियन निक्स वाले दर्शक है सबको धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है सर, आज कहीं ना कहीं जमुई से डॉक्टर रिंकी देवी, रिंकी कुमारी आई है, मगही के सुपर स्टार आए हैं आपके यहाँ, तो कैसा महसूस? देखिए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर सिंगर जो भी हैं गरीब बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, चाह रहे हैं कि शिक्षा का अलग लालू सर जैसे जगा रहे हैं, इसी के सपोर्ट में हम मतलब यहाँ पर आए हैं। ये सब कब इस स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में खोलने का क्या मकसद था? मकसद यही है कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़े, जिस बच्चा के पास पैसा नहीं भी है, अगर बहुत ज़्यादा उसका स्थिति खराब है, उनको हम गोद लेना चाहते हैं और उनको हम शिक्षा देना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, जिनके पास पैसा नहीं भी है उनका भी एडमिशन हो जाएगा? जी एकदम होगा। चलिए बहुत अच्छा लगा। और ग्रामीण क्षेत्र में आप एक स्कूल खोले हैं, कहीं ना कहीं गांव के बच्चों को एजुकेशन देने का कोशिश किए हैं और बहुत ही अच्छी बात है। चलिए भैया थोड़ा सा इधर। सबसे पहले तीसरा बार स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद। और जितने भी देख रहे हैं इंडियन निक्स, आप सभी को जिनसे प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे भैया, कैसा लगा चानन क्षेत्र में आके? चानन क्षेत्र में आके सच्चाई न्यूज सुचित जी और हमारे लालू सर शारदा पब्लिक स्कूल के जो शिक्षक हैं, ये लोग बहुत अच्छे सोच विचार का है और यहाँ का बच्चों में जो एक्टिविटी हम देखें मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और लगा कि नहीं कि चानन क्षेत्र में भी कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए भैया, तो जम्मू क्षेत्र से आप चानन क्षेत्र आए, काफ़ी खुशी हुआ हम लोग को भी, और हम भी आप ही के जिला के हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा, हालांकि मैं चानन एक दो बार आया हूँ। चानन के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जाते हैं, मैक्सिमम जबड़ा जिसका टूटा रहता है, क्लिस्ट जिसको डाउट रहता है, कैंसर हो गया, पान पुड़िया से मुँह खुलना बंद हो गया, गांठ बन गया, वैसे पेशेंट की संख्या हमारे पास बहुत होती है। लेकिन आज सुजीत जी के थ्रू मैं यहाँ आया, बहुत खुशी हुई। और मैं ये नहीं समझा था कि लालू जी का इतना अच्छा प्रयास है, सुदूर गरीब गांव जंगल के लोग यहां आके पढ़ाई कर रहे हैं और अपने करियर के लिए बिल्डअप के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। चानन की जनता को मेरी तरफ से मतलब शुभ आशीर्वाद शिक्षा के जगत मुझे में। बहुत अच्छा लगा। आज मैं उन लोगों के साथ हूँ जो हमारे देश के भविष्य हैं। ये बच्चे, इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार 15 अगस्त में यहाँ पे शामिल हुए हैं। ये बहुत ही ऐसे तबके से हैं जिनके यहाँ शिक्षा नहीं है, जो बहुत सारे चीज़ उनको ये आज नॉलेज हुआ कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता दिवस के नाम पर इसको मनाया जाता है, और इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं इस चैनल से यही कहूँगी कि आप लोगों का ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि जिस तरह से शिक्षा के ज्योति को इन्होंने, यहाँ पर एक शिक्षक हैं जो लालू जी हैं, और इस तरह के कई एक तमाम लोग जो उस जगह पर शिक्षा पहुँचा रहे हैं जहाँ शिक्षा पहुँचना मुश्किल था, ऐसे जगहों में शिक्षा पहुँचा रहे हैं जिनको विद्या नसीब नहीं था। बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हम भी पढ़ सकेंगे, तो उनके लिए भी पढ़ाई का माहौल देना और इस तरह से विद्वता देना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें ये सारे मीडियाकर्मी जो शामिल हुए हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है, वो भी कर्तव्य निभा रहे हैं कि इस बात को दूर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब इस मीडिया में वो लोग भी जो सुन रहे होंगे जहां पर शिक्षा नहीं होगी, वो लोग भी इससे प्रेरित हों और आके इस संस्थान से और हम लोगों से जुड़े ताकि हम उनको जितना हो सके मदद कर सकें शिक्षा के क्षेत्र में। थैंक यू मैम हमसे जुड़ने के लिए। देखिए यहां पे तमाम लोग भी है, तमाम स्टूडेंट भी है और